लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ है उसके बाद से कार्यकर्ता जो है लगातार जुड़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आज कितने लोगों को पोस्ट मिली और क्या काम चल रहा है? देखिए, ये तो वर्सोवा के अंदर कोई एक दिन से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आने गए 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ वर्सोवा में, और वर्सोवा के हर कोने कोने से मैं वाकिफ हूँ। लोग जब से मैं मजलिस में जुड़ा हूँ, मैं मुझे एक महीना हो गया मजलिस में जुड़ के, और तब से तमाम यूथ जो मजलिस से मोहब्बत करते हैं वो रोज़ आके यहाँ पे इसी बड़ी तादाद में 100-150-200 लोगों की तादाद में रोज़ यहाँ पे लोग आ रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। बड़ा खुशी का माहौल बन गया है यहाँ पे वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर मिलत बरिसा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ से वर्सोवा से मेरा कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है, तो लोगों में और भी जोश भर गया है। और जब से ये डिक्लेयर हुआ है उसके बाद से तो यहाँ पे लोगों की जो तादाद है डबल से ट्रिपल हो गई है, तो अच्छा भी लग रहा है कि लोग जिस तरीके से मजलिस से जुड़ रहे हैं, ये एक अच्छा माहौल बन रहा है यहाँ पे। आपके इलाके के अंदर वर्सोवा विधानसभा में आपके थॉट में कौन से ऐसे काम है जो वर्सोवा में नहीं हुए जिसको करना चाहिए? देखिए, वर्सोवा के अंदर तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आप देखें तो बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। हमारा जो यहाँ पे जो मेट्रो है, मेट्रो इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है पिछले 10-12 साल से। उसके बाद में जो हमारा JVLR का जो ब्रिज है वो इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, 10-12 साल से हो नहीं रहा है। उसके बाद में हमारा एक ब्रिज बनना था यारी रोड से लोखंडवाला कनेक्ट करने के लिए, वो भी काफ़ी टाइम से उसका भी काम चल रहा है, खाली भूमि पूजन 2-3 बार हो गई है। उस ब्रिज का जो कीमत थी वो भी 2-3 बार कीमत भी उसकी बढ़ गई है, लेकिन उसका काम शुरू नहीं हुआ अभी तक। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि खाली भूमि पूजन हो रही है लेकिन काम नहीं शुरू हो रहा है। क्या कहेंगे, जीत के आने के बाद सबसे पहला काम नहीं सोचिएगा क्या? देखिए, बहुत सारे काम यहाँ पे बंद पड़े हुए हैं, खास करके हमारे इस एरिया के अंदर बहुत सारे SRA के काम बंद पड़े हुए हैं। 10-10, 15-15, 20-20 साल से लोग बेघर होके घूम रहे हैं यहाँ पे। उन सारे लोगों को न्याय दिलाने का काम सबसे पहला मैं करूँगा यहाँ पे। आप यहाँ के सदर हैं, यहाँ पे जो डेवलपमेंट के विषय में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्कूल है अल इतियाद स्कूल, जहाँ पे लगभग 2500 बच्चे पढ़ते हैं, एडिट स्कूल है, और तमाम यहाँ पे मुसलमान जो रहते हैं इस गुलशन कॉलोनी के अंदर, आनंद नगर के अंदर, तमाम वहाँ के बच्चे जाके पढ़ते हैं। लेकिन उस स्कूल की हालत इतनी खस्ता है कि उन सारे बच्चों की लाइफ रिस्क में है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगर मैं यहाँ से जीत के आ जाता हूँ मैं, तो सबसे पहले मैं अल इतियाद स्कूल की मरम्मत कराऊँगा और उसको एक नए तरीके से उसका डेवलपमेंट करूँगा मैं। उसके बाद में इस वर्सोवा के जोगेश्वरी हलके के अंदर ना ही यहाँ पे कोई डिलीवरी लेबर हॉस्पिटल है, ना ही कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के रोज़मर्रा की चीज़ों में काम आती है, ना कोई प्रॉपर मार्केट है यहाँ पे। आज जितने भी हॉकर्स रोड पे बैठे हुए हैं उनके लिए भी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो हॉकर्स की भी प्लानिंग हमें यहाँ पे अच्छे से करनी चाहिए ताकि लोगों को भी तकलीफ ना हो और उनका भी काम बराबर से चले। तो ये जो मिसमैच चल रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए हम आने वाले दिनों में, अगर ऊपर वाले ने मुझे इस वर्सोवा की सेवा करने का मौका दिया तो मैं इन सब कामों के ऊपर खास करके ध्यान दूंगा मैं। क्या चीज़ें हैं और क्या काम आप लोग जमीनी स्तर पे कैसे करते? जी, वर्सोवा तालुका में स्लम एक बहुत बड़ा पार्ट है। स्लम में छोटे छोटे घर होते हैं लोगों के, तो सबसे ज़रूरी मैं समझता हूँ एक अच्छी बड़े लेवल की लाइब्रेरी होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए सहूलतें मुहैया करानी चाहिए वहाँ पर। दूसरा, JVLR ब्रिज जो है काफ़ी बरसों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको कंप्लीट करना चाहिए। मेट्रो का यहाँ ओशूरा ब्रिज का भी काम, इसको भी तकरीबन 3 साल से लोग तकलीफ़ में हैं। आधा रास्ता खुला हुआ है ओशूरा ब्रिज का, उसको जल्द से जल्द कम्प्लीट करके लोगों की तकलीफ़ दूर करना चाहिए। दूसरा, जो ब्रिज आ रहा है राम मंदिर से, उसको भी काफ़ी दिन हो गया, उस पर कुछ काम हो नहीं रहा है, वो ऐसे ही पड़ा है, पता नहीं क्या वजह है उसकी। उसको पहले दूसरी जगह लैंड कर रहा था, अभी उसको आगे किया गया है, शायद हो सकता है वहाँ के बिल्डर की वजह से हुआ हो, लेकिन उसको काम को कंप्लीट करना चाहिए। आप क्या कहें वर्सोवा विधानसभा को लेकर, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में, क्या उम्मीद? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब से हमारे सदर जनाब रईस असगरिया साहब का अनाउंसमेंट हुआ है कैंडिडेट के रूप में, तो यंगस्टर के रूप में एक भारी तादाद में डेली लोग जुड़ना शुरू कर दिया यहाँ पर आके, और जो उत्साह है वो बरकरार हमें इलेक्शन तक रखना है इंशाल्लाह ताला। और आने वाले चुनाव में हमारे सदर साहब का सिर्फ
एक इशारा देना है, क्योंकि लश्करिया साहब का लश्कर पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव तक हम सब साथ में मिलके, कामयाबी तक कंधे से कंधा मिला के रईस साहब के साथ में रहेंगे। ये लश्कर जो है चुनाव तक पहुंचेगा और चुनाव में कामयाब बना के हमारे सदर साहब को लाएगा इंशाल्लाह ताला।